का मग्नता यानी क्या? हम जहां है वहां रहे, वही है मग्नता। जहां हो वहां रहना वही मग्नता है। आजकल आपकी दिक्कत यह है, आपकी परेशानी है, आप कहीं और जगह होते हो, आपका मन कोई और जगह होता है। आप यह प्रवचन के पांडाल में बैठे हो, आपका मन शायद घर पर हो सकता है। आप मंदिर में बैठे हो, आपका मन शायद बच्चों को स्कूल भेजने का समय हो रहा है, वहां हो सकता है। आप प्रतिक्रमण में बैठे हो, लेकिन आपका मन शायद घर पे जाने के लिए हो सकता है। आज के संसार की सबसे बड़ी समस्या यह है, और आज के संसार की सबसे बड़ी साधना भी यही है, समझ लेना। यही समस्या का निराकरण आप लोगों के पास नहीं है, इसलिए आपकी एक भी क्रिया रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बनती। आपकी एक भी क्रिया में रिजल्ट आपको नहीं मिलता, क्योंकि आपका तन क्रिया करता है, आपका मन क्रिया नहीं करता। ये प्रवचन भी आपके लिए शायद इसलिए सार्थक नहीं बन पाएंगे यदि आप जागोगे नहीं, यदि आप समझोगे नहीं, यदि आप सोचोगे नहीं, यदि आप विचार नहीं करोगे तो ये प्रवचन भी आपके लिए सार्थक नहीं बन पाएंगे। यदि आप तन लेकर के प्रवचन में आते हो, सुन लेना मेरी बात कान खोल करके, यदि आप तन लेकर प्रवचन में आते हो तो प्रवचन भी आपके लिए निरर्थक है। यदि आप तन लेकर मंदिर जाते हो तो यह मंदिर भी आपके लिए निरर्थक है। यदि आप तन लेकर मात्र तप कर लेते हो तो तप भी आपके लिए निरर्थक है। यदि यह तन लेकर मात्र प्रतिक्रमण आदि आराधना कर लेते हो तो आराधना भी आपके लिए निरर्थक है। और यह तन लेकर आप प्रवचन में आते हो तो यह प्रवचन भी आपके लिए निरर्थक है, समझ लेना। आज के इंसान की सबसे बड़ी दुविधा यह है, तन होता है वहां मन नहीं होता, और मन होता है वहां तन नहीं। कहा जाता है ना, तन टेंपल में, मन चप्पल में। नए चप्पल लिए और लेकर मंदिर के बाहर रखे, अंदर ले जाने की कोई सुविधा, कोई व्यवस्था है नहीं आपके पास। नए चप्पल लिए हो, बाहर रखे हो और परमात्मा के दर्शन करते हो, और आपने सुना हो कि यहां से चप्पल बहुत चोरी होते हैं, सच कहना, उसके बाद मंदिर में परमात्मा के दर्शन में मन कितना लगता है। कितने जल्दी आप बाहर निकल जाते हो, और बाहर निकल के आप पहले क्या देखते हो, चप्पल ठिकाने पे है या नहीं है। और इसलिए कहा गया कि आज के आदमी की सबसे बड़ी दुविधा यह है, जहां तन होता है वहां मन नहीं होता, जहां मन होता है वहां तन नहीं होता। इसलिए जहां तन होता है वो भी रिजल्ट नहीं मिलता, और जहां मन होता है वो भी रिजल्ट नहीं मिलता, समझना। दुविधा में आपका जीवन चल रहा है। का यह संसार की सबसे उत्तम, सर्वोत्कृष्ट, सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट साधना यही है, जहां हो वहीं पर रहना। कोशिश करना आप, जहां हो वहीं रहना। भले थोड़ा समय हम मंदिर में हो, लेकिन पूरे मंदिर में हो। हमारा तन भी मंदिर में, हमारा मन भी मंदिर में। चाहे 8 महीना प्रवचन न सुनते हो, भले 4 महीना सुनते हो, लेकिन पूरा सुनते हो। आपका तन भी यहां हो, आपका मन भी यहां। चाहे पूरे साल में आप तप न करते हो, पर्युषणा महापर्व के 8 दिन ही तप करते हो, लेकिन पूरा तप करते हो। आप तन से भी करते हो, आप मन से भी करते हो। आप लोगों की तो परेशानी यह है, खाते हैं उस दिन शांति से नींद आ जाती है, और उपवास के दिन स्वप्न आते हैं कि सुबह पारने में क्या मिलेगा। आप खा के सो जाते तो कोई याद नहीं आता कि सुबह क्या मिलेगा, लेकिन उपवास किया होता है तो याद आता है कि सुबह क्या मिलेगा, क्योंकि उपवास आपका तन का था, मन का नहीं था। मन आपका भोजन की तरफ खींचा चला जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सही तपश्चर्या भी वही है जो तन से की जाए और साथ में मन से की जाए। दिमाग में बराबर बिठा देना यह सूत्र, संसार की सर्वोत्कृष्ट सबसे बढ़िया साधना यही है, आप जहां हो वहीं पर रहना। कितनी दिक्कत है आप लोगों के साथ, कितनी परेशानियां है आपके जीवन में। महाराज जी इतनी माला गिनते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता, कहां से मिलेगा। मैं तो कहता हूं कई बार, कितने सालों से धर्म की आराधना करते करते एक नौकार वाली गिनते गिनते भी आपका चित्त स्थिर न रहता हो तो हमने पाया क्या। एक 5 मिनट भी हमारे मन की स्थिरता हम न बना पाए, 5 मिनट भी हमारा मन वो परमात्मा के स्मरण में नहीं लगता,
पांच मिनट में हम शांति से बैठ करके नवकार वाली माला नहीं गिन पाते, पांच मिनट भी हम एकाग्रता से परमात्मा के साथ नहीं जुड़ पाते, तो हमारी साधना क्या? यहां कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो 50 साल से नौकार वाली गिन रहे हैं, लेकिन फिर भी आज उनको पूछो कि नौकार वाली गिनते गिनते मन कितना लगता है, कहते हैं महाराज साहब पूरे दिन में जितने विचार नहीं आते उतने सारे विचार कब आते हैं, माला लेके बैठो तो सारे विचार आते हैं, ये काम बाकी है, इधर जाना है, ये करना है, उधर करना है, इधर जाना है, यह निपटाना है, सारे विचार आपके मन में खड़े होते कब, जब आप माला लेकर बैठते हो। मैं कई बार कहता हूं कि आप जब नोटों की गड्डी को गिनते हो तब विचार नहीं आते, नोटो गणियो तो हम विचार आवे कि ना आवे, हैं ध्यान क्या हो है? नोटो गणो, जारे तमे नोटो गणवा माटे बेसो छो त्यारे विचार आवे कि ना आवे, त्यारे कोई जात नो विचार ना आवे, त्यारे ध्यान तमारो आखू बधुज एकाग्रता। हूँ एम कहूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नोटो की गड्डी को गिनते गिनते जितनी एकाग्रता होती है ना, उतनी एकाग्रता यदि माला गिनते गिनते आ जाए ना तो बेड़ा पार। और आप तो बड़े समझदार हो, तुम्हें रूमनी अंदर हो, दरवाजो बंद हो, तुम्हें नोटो नो बंडल गणता हो, समझ जो मारी बात ने, तुम्हें रूमनी अंदर छो, दरवाजो बंद छे, तुम्हें नोटो नो बंडल गणी रहा छो, कोई ये नॉक करियो दरवाजो, दरवाजो खोलवू पड़े एवी कंडीशन छे, नोटो नो बंडल नीचे मूक्यो, उभा छे ने दरवाजो खोल्यो अने पाछा आवीने नोटो ना बंडल ने गणवानी शुरुआत पहले थी करशो के वच्चे थी करशो? क्या थी? पहले थी। अने आज बीजी परिस्थिति, रूम बंद होए तमे माला गणता हो, कोई दरवाजो खखड़ावे, दरवाजो खोलवा पड़े वो छे, माला गणवानी शुरुआत पहले थी करशो के वच्चे थी? क्या 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 कहना आपको? एक ही साधना है, संसार की सर्वश्रेष्ठ साधना, आप जहां हो वहां रहना, ये सबसे बड़ी साधना है। आपका तन भी वहां हो, आपका मन भी वहां हो, आपके विचार भी वहां हो, अपनी आपकी भावनाएं भी वहां हो, आपका आत्मा भी वहां हो, ये सब चीजें जब जुड़ जाती है तो आपकी साधना अद्भुत बन जाती है, आपकी साधना बेनमून बन जाती है। हमारे जिन शासन में कई ऐसे उदाहरण है, एक एक साधना की वजह से कल्याण हो गया, एक साधना ने कल्याण कर दिया। हम तो इतनी सारी साधना करते, इतने परमात्मा के दर्शन करते, इतनी पूजा करते, इतनी भक्ति करते, इतने प्रतिक्रमण करते, इतना सामायिक करते, मैं कहता हूं कि जिन शासन की साधना में यह ताकत है कि एक छोटी सी साधना भी आपका कल्याण कर सकती है। महाराजा कुमारपाल ने पूर्व भव में एक बार परमात्मा की स्वद्रव्य से पूजा करी थी, और हम प्रतिदिन कहते हैं पांच कोड़ी ना फूलड़े पाम्या देश अढ़ार राजा कुमार पालनो वर्त्यो जय जय का। एक बार मात्र सुन लेना कान खोल कर, परमात्मा की पूजा स्वद्रव्य से एक बार करी, फिर भी अगले भव में वह 18 देश के मालिक बन गए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आपने परमात्मा की पूजा स्वद्रव्य से कितनी बार करी? कई बार आप कर चुके हो, लेकिन दिक्कत यह है जहां तन होता है वहां मन नहीं होता, जहां मन होता है वहां तन नहीं होता। भूल जाना ये साधना की बातें, समाधि की बातें, एक ही साधना सबसे पहला कदम। यदि धर्म के क्षेत्र में आप कहीं पहुंचना चाहते हो, आप कुछ पाना चाहते हो, धर्म का रिजल्ट आपको चाहिए, मैं तो कई बार कहता हूं कि कौन कहता है कि धर्म का रिजल्ट मरने के बाद मिलता है, मैं कहता हूं यही जनन में इसी दिन आज ही मिल सकता है, क्यों ना मिले? मरने के बाद मोक्ष मिले ना मिले किसने देखा? मरने के बाद सदगति मिले दुर्गति मिले किसने देखी? धर्म का रिजल्ट आज मिल सकता है, अभी मिल सकता है, लेकिन कब? शर्त एक ही है, जहां तन हो वहां मन जुड़ जाए तो धर्म का रिजल्ट आपके हाथ।